Assalamualaikum. आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप इस तरह की अमेजिंग poetry एडिटिंग वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो ये वीडियो हम क्रिएट करने वाले हैं Pixel लैब और CapCut ऐप के जरिए तो सबसे पहले हम Pixel लैब ऐप ओपन करेंगे और अपनी पोस्ट को Pixel लैब में क्रिएट करेंगे उर्दू जो है CapCut में नहीं राइट होती इसलिए हम अपनी पोस्ट पिज्ज़ा लैब में एडिट करते रहते हैं तो हम पिज्ज़ा लैब ऐप को ओपन कर लेते हैं जब हम पिज्जा लैब ऐप ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है हमने थ्री डॉट्स में आना है यहाँ से इमेज साइज को सिलेक्ट करना है उसके बाद ये वृथ्थ है इसकी वर्थ को यहाँ से करना है सिलेक्ट और ये वर्थ यहाँ से ख़त्म करके सेवन ट्वेंटी कर लेनी है और कर देना है ओके तो ये हमारा टिकटॉक वाला साइज आ चुका है अब हमने क्या करना है ये ऑप्शन है इस ऑप्शन में आना है ये कलर का ऑप्शन है कलर के ऑप्शन में आना है फिर कलर है कलर में आके यहाँ से आप बैकग्राउंड में जो भी कलर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं हम इस वक्त ब्लैक कलर यूज़ कर लेते हैं उसके बाद कर देंगे ओके ओके okay करने के बाद अब जो है यहाँ पे हमने ये प्लस वाला आइकान है प्लस वाले आइकान में अन है फ्राम गैलरी है फ्राम गैलरी में अन है और यहाँ पे हम एक लोगो लगा लेते हैं अच्छा ये जो हम लोगो इस वक्त यूज़ करने वाले हैं ये लोगो जो है हम इस वक्त इसलिए नहीं क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि इस तरह के हमने बहुत सारी वीडियोज़ में क्रिएट करके बताया है अगर आपको नहीं पता है कि आप ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हम किसी ना किसी एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जाके देख लीजिएगा कि हम इस तरह का लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बाद हम इसे यहाँ पर कर लेंगे एडजस्ट एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमने करना है राइट उसके लिए हमने ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट करने के बाद ए के ऑप्शन में आएंगे एडिट में आएंगे यहाँ पे हम ये खत्म करके कुछ भी राइट कर लेंगे अपनी पोइट्री के मुताबिक तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने राइट कर लिया है तुम कहो और मैं जान दे दूं अब इसके बाद हम यहाँ पे ओके okay करेंगे ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ चुका है अब हमने इन ऑप्शन में आगे आना है आगे जो है हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा ए बी फॉन्ट का तो हम ए बी फॉन्ट के ऑप्शन में आएंगे यहाँ पे माई फॉन्ट में आते हैं माई फॉन्ट में आगे यहाँ से जो है ना हम कोई भी उर्दू का फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे आपके पास उर्दू फॉन्ट ऐड ना हो तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे फिर पिग्जा लैब में ऐड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देख लीजिएगा उसके बाद हम ओके कही करते हैं अब ये हमारे पास आ चुका है अब हम इसे फिंगर के साथ कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर ठीक है एडजस्ट करने के बाद इन ऑप्शन में आगे आएंगे नीचे ये बैकग्राउंड का ऑप्शन तो हम यहाँ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हुए सिखा कर देंगे इनेबल इनेबल करने के बाद बैकग्राउंड में हम कोई भी जो है ना देखें ये जैसे रेड कलर में है आप किसी भी कलर में ये यूज कर सकते हैं हम इस वक्त वाइट कलर में यूज कर लेते हैं पहला ठीक है कलर को सिलेक्ट करने के बाद इन ऑप्शन में हम नीचे आते हैं नीचे आपको रेडियस का ऑप्शन नजर आ रहा है तो अब आप इसका रेडियस एडजस्ट कर लेंगे जितना आप सेट करना चाहें कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे अब देखें हमारी जो है ना राइटिंग यहाँ पे नजर आ नहीं आ रही क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट है और हमारी राइटिंग भी वाइट है तो यहाँ से हम जो अपनी राइटिंग है उसका कलर चेंज करेंगे उसके लिए इन्हीं ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर का तो अपने कलर के ऑप्शन में आना है और यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं तो हम यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हैं देखें ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे अब हम फिंगर के साथ इसे सिलेक्ट करके कुछ यहाँ पे कर लेते हैं एडजस्ट तो आप अपने मुताबिक यहाँ पे सही तरीके से एडजस्ट कर लेंगे एडजस्ट करने के बाद अब जो है हमने इन ऑप्शन में आ जाना है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी का तो आपने कॉपी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है उसके बाद ये एडिट का ऑप्शन है एडिट के ऑप्शन में आना है अब यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ख़त्म कर देंगे यहाँ पे अपना दूसरा फिक्रा राइट कर लेंगे तो हम राइट कर लेते हैं तो देखिए हमने दूसरा फिक्रा राइट कर लिया है मुआजरत मैं अब वो नहीं रहा उसके बाद ओके करेंगे अब हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे एडजस्ट करने के बाद ऊपर वाली जो हमारी लाइन है वो भी नीचे व्हाइट है यहाँ पे ये वाइट है तो हम इसका कलर चेंज करने के लिए इन्हीं ऑप्शन में आगे आते हैं आगे फिर आपने यही बैकग्राउंड का ऑप्शन है बैकग्राउंड के ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आप कोई और बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है तो यहाँ से हम कोई भी एक बैकग्राउंड अभी सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है तो ये वाला हम बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं देखें बहुत ही अमेजिंग सा ये लग रहा है उसके बाद हम यहाँ पे ओके okay करेंगे ओके okay करने के बाद अब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो चुका है अब हम फिर एक के ऑप्शन में आते हैं प्लस टेक्स्ट में आते हैं एडिट में आते हैं और यहाँ पे हम कुछ राइट कर लेते हैं इंस्टा आप जो है अपनी कोई भी आई राइट कर सकते हैं यानी कि टिकटॉक की आई राइट कर सकते हैं या जो है आप अपनी इंस्टा आई भी राइट कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर जो है अपनी इंस्टा आई को राइट कर लिया है ठीक है ये राइट करने के बाद यहां पे डबल टी पे क्लिक करेंगे और कर देंगे ओके ओके करने के बाद इसे हम यहां से सिलेक्ट करते हैं और इसे कुछ इस तरीके से कर लेते हैं समाल और यहां पे कर लेते हैं एडजस्ट एडजस्ट करने के बाद इन ऑप्शन में आगे आते हैं आगे जो है ना आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे स्पेसिंग का तो, तो आपने स्पेसिंग का ऑप्शन को सिलेक्ट करना और कुछ इस तरीके से इसे स्पेस दे देनी है ठीक है स्पेस देने के बाद यहाँ पे हम ओके करते हैं और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहें तो यही ए बी फॉन्ट में आ गए यहाँ से आप जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे ओके तो हम यहाँ पे जो है ना कोई भी एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट करके ओके कर लेते हैं जैसे कि ये फॉन्ट है ठीक है अब ये हमारे पास यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है इसे एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो है हमने अपनी कोई नीचे फ़ोटो लगानी है अपनी मर्जी से जो भी हमें अच्छी लगती है वो हम यूज़ कर लेंगे उसके लिए हम प्लस वाले आइकान में आते हैं फ्राम गैलरी है फ्राम गैलरी में आते हैं यहाँ से जो है हम कोई एक फोटो भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखें हमारे पास सकल वाली कुछ फोटोज़ हैं इनमें से हम कोई एक फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखें हमने ये एक सकल वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया उसके बाद यहाँ पे ओके करते हैं ओके करने के बाद ये हमारे पास आ चुका है कुछ इस तरीके से अब हम इसे बड़ा करते हैं और इधर कर लेते हैं एडजस्ट एडजस्ट करने के बाद देखें हमारी राइटिंग खत्म हो चुकी है क्योंकि नीचे पीछे बैकग्राउंड इसका ब्लैक है तो हम इस ऑप्शन में आएंगे इन ऑप्शन में आगे आ जाएंगे यहां पे आपको इरेज कलर का ऑप्शन नजर आएगा आपने इरेज कलर को सिलेक्ट करना है करना है 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 करने करने के के बाद बाद इसको से से और इधर को कर लेना पे okay करेंगे तो ये इसका ब्लैक जो है खत्म हो जाएगा सिर्फ व्हाइट यहाँ पे रह जाएगा उसके बाद हम इसे फिंगर के साथ सिलेक्ट करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे तो हम इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं अच्छा आप इस तरह की जो है पिंट ऐप से डाउनलोड कर लेंगे वहां पे जाके राइट करेंगे सकल फोटोज़ तो आपके पास कुछ इस तरह के फोटोज़ आ जाएंगे उसके बाद जो आपको अच्छा लगे वो आपने डाउनलोड कर लेना है उसके बाद यहाँ पे हम ओके करेंगे ओके करने के बाद देखें अब ये हमारी पोस्ट क्रिएट हो चुकी है क्रिएट होने के बाद अब हम ये ऑप्शन है इस ऑप्शन में आएंगे सेव एज अमेज में आएंगे इसे कर लेंगे सेव टू गैलरी जब ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी उसके बाद हम कैपकट ऐप को ओपन करेंगे और अब इसे एडिट करेंगे कैपकट ऐप में कैपकट ऐप को हमने ओपन कर लिया है कैपकट ओपन करने के बाद अब हमने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में आना है न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पे हमने फोटो को करना है सिलेक्ट फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ से हमने वो वाला फोटो सिलेक्ट कर लेना है जो अभी हमने क्रिएट किया था अपनी पिज्जा लैब में तो हम यहाँ पे वो वाला फोटो भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमने वो फोटो सेलेक्ट किया उसके बाद करेंगे ऐड ऐड करने के बाद देखें ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ चुका है अब हमने क्या करना है इसे यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसकी ड्यूरेशन उतनी रख लेनी है जितना हम अपनी वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इस वक्त आठ से नौ सेकेंड इसकी ड्यूरेशन रख लेते हैं उसके बाद लास्ट में आपको कैपकट का वाटर मार्क नज़र आएगा आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कर देंगे डिलीट डिलीट करने के बाद वीडियो के स्टार्ट में आएंगे वीडियो के स्टार्ट में आने के बाद आप अपने फोटो को फिर से सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ऊपर ये ऑप्शन है इस ऑप्शन को कर लेंगे सिलेक्ट ठीक है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ये एक एक ऑप्शन है अब आगे आ जाएंगे जहाँ पर वीडियो बिल्कुल फोटो का लास्ट ऑप्शन है ना वहाँ पर अपना ये वाइट कर्सर ले आएंगे यहाँ पर ले आने के बाद ठीक है अब हम इसे दो फिंगर के साथ कुछ इस तरीके से जूम कर लेंगे ताकि हमारी फ़ोटो में जूम का इफेक्ट आ जाए तो कुछ इस तरीके से देखें ये जूम का इफेक्ट आ चुका है आप जितना इफेक्ट यूज़ करना चाहें उतना इसे जूम कर लेंगे अब वीडियो के स्टार्ट में आएंगे उसके बाद हम जो है यहाँ पे म्यूज़िक को ऐड करेंगे उसके लिए हम ऐड ऑडियो में आते हैं एक्सटेक्टेड है एक्सट्रेक्टेड में आते हैं और यहाँ से जो है ना हमने उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसका हम म्यूजिक यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं आप टिकटॉक से कोई वीडियो डाउनलोड कर लें यूट्यूब से डाउनलोड कर लें उसका जो साउंड सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करके करेंगे इम्पोर्ट साउंड ओनली तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा अब यहाँ पे हमने देने हैं ब्लैंक इफेक्ट उसके बाद यहाँ पे देना है हमने डबल एक्सपोजर के इफेक्ट उसके अलावा जो है ना हमने यहाँ पे ग्लिच इफेक्ट देने हैं उसके लिए हम यहाँ से बैक आते हैं वीडियो के स्टार्ट में रहेंगे फिर ये है ओवरले का ऑप्शन ओवरले के ऑप्शन में आएंगे एड ओवरले है एड ओवरले में आएंगे यहाँ से हम वीडियो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे वीडियो के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ये ऊपर ऑप्शन है इसको यहाँ से सिलेक्ट करके जो है ना हम एक वीडियो है वो वाली सिलेक्ट करके ले आएंगे ये जो है ना वीडियो डबल एक्सपोजर वाली वीडियो है इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है उसके बाद कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके ले आना है अब ये हम आ चुके हैं हम इसे पूरी स्क्रीन के ऊपर कर लेते हैं एडजस्ट एडजस्ट करने के बाद इन ऑप्शन में जो है ना आपको वॉल्यूम का ऑप्शन नजर आएगा पहले आप वॉल्यूम के ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसका वॉल्यूम कर देंगे खत्म उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे ओके okay करने के बाद आपने सप्लाइज का ऑप्शन है सप्लाइज के ऑप्शन में आना है सप्लाइज के ऑप्शन में आने के बाद इसे कर देना आपने डार्कन डार्कन करने के बाद यहाँ पे ओके करते हैं ओके करने के बाद वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं अब यहाँ से हम बैक आएंगे बैक आने के बाद फिर एड वल्ले में आएंगे और यहाँ से ब्लैंक इफेक्ट वाली वीडियो को कर लेंगे सिलेक्ट इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा उसके बाद कर देंगे ऐड ऐड करने के बाद ये हमारे पास आ चुका है अब हम फिंगर के साथ इसे भी पूरी स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद इन ऑप्शन में जो है ना हम वॉल्यूम के ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसका भी वॉल्यूम हम ऑफ करेंगे और कर देंगे ओके उसके बाद फिर हम इन ऑप्शन में आगे आ जाएंगे आगे जो है ना आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे क्रोमा की का तो आपने क्रोमा की के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है उसके बाद जो है ना ये ऊपर है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम इसे यहाँ पे जो है ना इंटेंसिटी में आएंगे इंटेंसिटी में आके इसकी इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से हमने फुल कर देनी है और कर देना है ओके ओके करने के बाद आप देखें ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो चुका है दोनों इफेक्ट ये दोनों इफेक्ट लगाने के बाद अब जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम अपना इफेक्ट यूज करें ठीक है ग्लिच इफेक्ट तो वहाँ पे अपनी ये वाइट लाइन कैसा ले आएंगे हम यहाँ पे ले आते हैं उसके बाद यहाँ से बैक आते हैं अब ये इफेक्ट का ऑप्शन है इफेक्ट के ऑप्शन में आएंगे फिर वीडियो इफेक्ट है वीडियो इफेक्ट में आएंगे वीडियो इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे हम आगे आते हैं आगे जन आपको पार्टी का ऑप्शन नजर आ रहा है पार्टी के ऑप्शन में आएंगे पार्टी के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हैं इनमें से आप जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं अपनी मर्जी से ठीक है लेकिन हम यहाँ पे जो इस वक्त यूज करने वाले हैं ये लास्ट में है सेवन वाला हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसे कर देंगे यहाँ पे ओके ओके करने के बाद इसकी ड्यूरेशन हम कुछ इस तरीके से पूरी स्क्रीन के ऊपर कर लेते हैं एडजस्ट एडजस्ट करने के बाद जो है ना अगर आप इसे एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट करके यहाँ से इसकी स्पीड कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं वो अपने मुताबिक एडजस्ट खुद कर लेंगे और उसके बाद करेंगे ओके अब हम चलाकर देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमारी वीडियो लगने वाले है जो बहुत ही अमेजिंग लग रही है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अब हमने लास्ट में इसे करना होता है सेव तो सेव करने के लिए ऊपर ये ऑप्शन है यहां पर क्लिक करके अपनी वीडियो को कर लेंगे सेव थैंक्स फॉर वॉचिंग